कांग्रेस को तिरंगा झंडा फहराना भी राजनीति लगता है, कांग्रेस को वंदे मातरम गाना भी राजनीति लगता है, कांग्रेस को जय हिंद बोलने से लेके राष्ट्रगान तक कोई करे तब भी तकलीफ होती है। तो मैं तो कहूँगा तू इधर उधर की बात ना कर, शराब घोटाले पर दो चार बार कम से कम अपनी बात तो रख। अरविंद केजरीवाल जी तो वो भी नहीं कर रहे, किंग पिन है वो शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस को तिरंगा झंडा फहराना भी राजनीति लगता है, कांग्रेस को वंदे मातरम गाना भी राजनीति लगता है, कांग्रेस को जय हिंद बोलने से लेके राष्ट्रगान तक कोई करे तब भी तकलीफ होती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं कांग्रेस के लोग भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में जुड़ते? ये देश आज़ादी मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सारे देशवासी मना रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी है बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि जो बाकी दलों से भी संबंध रखते थे उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया है, राजनीति से ऊपर उठकर किया है, और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भ्रष्टाचार करने के बाद कोई जवाब ना हो तो इधर उधर की बात करने की आदत पड़ जाती है। तो मैं तो कहूँगा तू इधर उधर की बात ना कर, शराब घोटाले पर दो चार बार कम से कम अपनी बात तो रख। अरविंद केजरीवाल जी तो वो भी नहीं कर रहे, किंग पिन है वो शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी, और मुख्य आरोपी हैं मनीष सिसोदिया। इन दोनों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, चार दिन से शराब घोटाले पर कोई जवाब नहीं दिया, बाकी दुनिया भर की सारी बातें कर दी। इससे पता चलता है ये जो क्लीन चिट देते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सत्येंद्र जैन को भी दी थी, वो जेल में है। अब मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो जांच के घेरे में है, वो कहाँ होंगे आपको पता है। सत्येंद्र जैन जी की याददाश्त चले गई क्योंकि गिरफ्तार हो गए। मनीष जी को अपने बाकी चीज़ें याद आनी शुरू हो गई, ये तो जाति पाति से ऊपर उठने की बात करते थे, अब सब याद आना शुरू हो गया। मित्रों, देश के सामने एक बात तो आई कि स्वराज तो किताब लिखी थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन शराब राज दिया है स्वराज ने। मोहल्ला क्लिनिक की बात तो की थी, दवा नहीं दी, मोहल्ला ठेका खोल के घर घर दारू पहुंचाने का काम किया, पैसा दो ठेका लो, ये बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार।